नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। इसके पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा या एक सच्ची घटना सुनाना चाहूँगा। कल रात की बात है, एक डॉग ओनर मेरे क्लिनिक में रात 10 बजे आए। मेरा क्लिनिक तो बंद हो चुका था, लेकिन वो चूँकि मेरे जानकारी में थे, पहले से जान पहचान थी, इसीलिए मैं अपना क्लिनिक खोल के उस डॉग का इलाज किया। डॉग को क्या हुआ था डॉग का क्या हुआ था कि वो नाखून काटने गए थे रात में, पग था और वो थोड़ा ज़्यादा काट लिए। ज़्यादा काटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और पूरा परिवार घबराया हुआ था। जो फैमिली के में ये मैडम हैं, बच्चे हैं, सभी कोई काफ़ी घबरा गए थे। देखिए देखिए डॉक्टर साहब क्या हो गया, एकदम मर रहा, आ जाइए जल्दी आ जाइए। तो जल्दी रात 10 बजे भींगते हुए, पानी बरस रहा था, भींगते हुए गए क्लिनिक खोले, उनका देखे तो देखे कि बात बहुत साधारण सी थी। नाखून थोड़ा सा लगा हुआ था, थोड़ा सा कट गया था, लेकिन खून बहुत बह रहा था। मैं पहले सबसे पहले उन लोगों को शांत किया कि आपका डॉग सेफ है, सब कुछ ठीक है। सभी कोई शांत हुए और शांत होते ही मैंने पहला चीज़ नोटिस किया कि वो डॉग का ब्लीडिंग बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये हम लोगों के आज का टॉपिक है। तो पहले जब भी कोई भी डॉग अगर किसी एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि डॉग पिक्स आवर इमोशंस फास्ट। डॉग्स जो हैं हम लोगों का इमोशन जल्दी कैच कर लेते हैं और ख़ुद भी घबरा जाते हैं। घबराने से उनका सिम्टम और बढ़ जाता है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। तो ऐसा अगर ब्लीडिंग हो तो बिल्कुल ना घबराएं। और आज का टॉपिक भी वही है कि हाउ टू चेक ब्लीडिंग इन डॉग, या उनका जो खून बहता है वो कैसे रोका जाए। डॉग्स तो काफ़ी एक्टिव हैं, खास करके यंग डॉग, लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड या गोल्डन रिट्रीवर, ये सब काफ़ी एक्टिव ब्रीड हैं। हम लोग उनको रख तो लेते हैं फ्लैट्स में, छोटे जगहों में, लेकिन वो अपना एनर्जी निकालने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। और आप जब घर में घुसते हैं शाम में तो वो और ज़्यादा खेलना चाहते हैं आपसे, आपने देखा ही होगा। दिन भर तो वो सोते रहते हैं, जैसे ही आप एंटर किए वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो है, ये एक्टिविटी कभी कभी उनके लिए हानिकारक हो जाता है। कभी वो एक्साइटेड मेंट में कहीं चोट लगा बैठते हैं, जिसके कारण उनका शरीर का कोई अंग कट जाता है, कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही परिस्थिति में जब भी हो तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आइए बताते हैं आपको, आप अपने घर में कैसे डॉग का अगर ब्लीडिंग कहीं हो रहा हो या फर्स्ट एड कैसे करें, ब्लीडिंग कैसे चेक करें, फर्स्ट एड। बाकी तो और क्या किया जा सकता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन खून कैसे रोका जाए ये मैं आज बताऊंगा आपको। तो पहले तो है, सबसे पहला स्टेप है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने आप में नियंत्रण रखें। और बच्चों को या कोई और भी हैं तो उनको बिल्कुल भी ना घबराने दें। घबरा भी गए हैं तो उसे शो ना करें। शो करेंगे, जाहिर करेंगे, कुत्ता भी घबरा जाएगा, ब्लीडिंग और ज़्यादा होगा। तो ये पहले घबराएं नहीं। नेक्स्ट थिंग है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप जो है एक फ्रिज से बर्फ़ निकाल के वहाँ पर दबा दें, हो सकता है उससे कभी कभी ब्लीडिंग चेक हो जाता है। क्या होता है कि उससे जो हम लोग बर्फ दबाते हैं तो वहाँ क्या ब्लड वेसल्स तो है सिकुड़ जाती है, जिसको कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो वो ब्लीडिंग कम हो जाएगा। ये हुआ पहला स्टेप। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो फिर आप कुछ रुई लीजिए, लेके उसका गोला बना लीजिए स्वैब, फिर उसको यूं ही प्रेस कर दीजिए, प्रेस करके कुछ देर रखिए, तो हो सकता है इससे चेक हो जाए। अगर उससे भी चेक नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, तब फिर आपको एक
बगल वाले ड्रग स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको टिंचर बेंजोइन नाम का दवा लाना पड़ेगा। आपको मैं दिखाता भी हूँ, ये है टिंचर बेंजोइन। ये जो फोटो देख रहे हैं ये टिंचर बेंजोइन का है। तो ये टिंचर बेंजोइन बहुत अच्छी दवा है, बहुत पुरानी दवा है, बहुत इफेक्टिव है, खास करके जानवरों के लिए मिलता। तो आदमी दवा तो है आदमी का, आदमी में तो दूसरा इसका उपयोग है, लेकिन डॉग्स में इसका कुछ और उपयोग है। आदमी में, ह्यूमन पेशेंट्स में ये जनरली हम लोग वो नाक में जो बलगम होता है उसको क्लियर करने देते थे, पुरानी दवा है। लेकिन डॉग्स में ये खून चेक करता है, ब्लीडिंग चेक करता है। तो इसको आप जो है लेके दो चम्मच लेके उसको स्वैब में डाल के प्रेस कर दें, आप देखेंगे 2 मिनट प्रेस करने के बाद ही खून रुक जाएगा। नॉर्मली ये खून इससे रुक जाता है। अगर कुछ और विशेष बात है, कुछ और बीमारियां हैं जिसमें खून में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो कम हो जाता है, तब उसमें ये काम नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत रेयर है। नॉर्मल जो होता है उसमें काम आ जाएगा। खैर, ये एक ड्रग हुआ, लेकिन ये थोड़ा रेयर है, बहुत पुरानी दवा है। इसके अलावा एक और कॉमन दवा है, कभी कभी टिंचर बेंजोइन नहीं मिलता है, नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो अगर नहीं मिला तो आप जो है एक और दवा है जिसका नाम है बॉट्रोक्लॉट। बॉट्रोक्लॉट लेके उसी सेम विधि में आप उसको डाल सकते हैं रुई में, कॉटन में लेके प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद थोड़ा देर 2 मिनट रखेंगे और वो चेक हो जाएगा। तो बॉट्रोक्लॉट जो है थोड़ा कम इफेक्टिव है इन केस ऑफ डॉग्स इन कंपैरिजन टू टिंचर बेंजोइन। टिंचर बेंजोइन काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत फास्ट उसका खून रोकता है, लेकिन बॉट्रोक्लॉट थोड़ी देर से काम होता है, लेकिन काम ज़रूर करता है। लेकिन बॉट्रोक्लॉट के साथ एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, बॉट्रोक्लॉट को आप नाक में भी दे सकते हैं। कभी कभी कुत्ते में नाक से खून आता है, तो नाक से जब खून आता है तो उसे हम लोग एपिस्टैक्सिस कहते हैं, उसको मेडिकल लैंग्वेज में। तो एपिस्टैक्सिस की तो काफ़ी सारे वजह हैं, जैसे उसको अंदरूनी कहीं चोट हो या कुछ हो, लेकिन फर्स्ट एड के लिए उसे भी आप बॉट्रोक्लॉट दे सकते हैं। बॉट्रोक्लॉट नेजल ड्रॉप आपको लेना पड़ेगा, लेके रुई में लेके उसके नाक के अंदर में डालना पड़ेगा। जितना देर डाले रहेंगे वो ब्लीडिंग नहीं होगा। उसके बाद इस बीच पे आप उसे ले जाके, वेट्स को ले जाके आप इलाज करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेट्स से जब इलाज कराना ही है तो ये सब बताने की क्या ज़रूरत है या जानने की क्या ज़रूरत है। जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रात में अगर ये सब हो जाए, जैसे डॉग बीमार पड़ जाए, तो क्या करेंगे। या फिर हम लोग खास करके भारत जैसे देश में जहाँ वेटरनरी डॉक्टर काफ़ी कम है, वेटरनरी डॉक्टर आपको हो सकता है बड़े शहरों में तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन छोटे शहरों में, गांव में जो है एक या दो हैं, वो भी वेल इक्विप्ड नहीं हैं, उनके पास भी संसाधनों का अभाव है, सरकारी सुविधाओं के मोहताज हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको खुद भी अपने डॉग को केयर लेना जानना पड़ेगा, और ये सब तो फर्स्ट एड है, तो ये सब आपको जाननी चाहिए। तो ये जो है, तो स्टेप्स क्या थे इसके, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। जैसे है कि आपको पहले पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। सेकंड है कि आप अगर कुछ भी नहीं मिले तो यूं ही रुई को दबा दीजिए, वो भी नहीं हो उससे अगर चेक नहीं हो तो बर्फ़ लेके दबाएं, बर्फ़ से नहीं हो तो टिंचर बेंजोइन से दबाएं, टिंचर बेंजोइन से नहीं हो तो बॉट्रोक्लॉट से दबाएं। अब जब कभी कभी होता है कि ये सभी फेल कर जाते हैं, तो उस वक्त तो आपको वेटरनरी डॉक्टर के पास ले ही जाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे मैं बता देता हूँ।
वो बॉट्रोपाज, यही बॉट्रोक्लॉट का ही दूसरा इंजेक्टेबल फॉर्म है, या विटामिन के। विटामिन के तो जानते ही होंगे कि विटामिन के हम लोगों के तो कोएगुलेंट फैक्टर है, जो हम लोगों के खून रोकने में मदद करता है। तो विटामिन के का इंजेक्शन या बॉट्रोक्लॉट का इंजेक्शन, बॉट्रोपाज का इंजेक्शन, या स्टिप्टोक्रोम या क्रोमोस्टैट का इंजेक्शन वो लगा देंगे। इंजेक्शन लगाने से फिर वो, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा तो वो फास्ट एक्ट करेगा और खून रुक जाएगा। तो ये सभी विधियां हैं जिससे आप डॉग का कहीं कट जाए तो खून रोक सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। और भी फर्स्ट एड के तरीके जानने के लिए बताने के लिए मैं आगे पोस्ट करूंगा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी करें और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर ज़रूर करें ताकि दोस्तों को, आपके पेट ओनर्स, बाकी सारे पेट ओनर्स को पता चल पाए। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। मैंने देखा है कि इंटरनेट में काफ़ी नॉन वेट्स, जो वेटनरी डॉक्टर हैं नहीं, वो लोग अपना वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, गलत थलत जानकारियाँ दे रहे हैं, जिससे कुत्ते को और हानि, पेट्स को आपको हानि हो जाएगा, उसको कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग उसे पता नहीं क्यों लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो कहना नहीं है, मिलियंस में है। खैर, तो इसीलिए मैं सोचा एक वेटनरी डॉक्टर होने के नाते अपना टाइम निकाल के इस तरह का वीडियो बनाऊं कि लोगों में जागरूकता आए। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है आप खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।